आशीष है, मैं क्वाड्रिलियम पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल से बोल रहा था। आज हम बात करेंगे शादी कब जल्दी होती है। तो जब भी अब अच्छे ग्रह का प्रभाव होता है आदमी की कुंडली पे, तो जैसे शुक्र का प्रभाव होगा, तो शुक्र का प्रभाव होगा तो वो दिखेगा भी अच्छा, पैसा पानी भी उसके पास अच्छा होगा, दिखेगा बहुत अच्छा, इतना अच्छा दिखेगा कि यार कोई भी 100 लोगों में भी उसको सिलेक्ट कर रहा है। तो इतना अच्छा दिखेगा, आँखें वगैरह अच्छी रहेगी, बाल अच्छे रहेंगे, चेहरा भी बहुत अच्छा रहेगा, गर्ल्स का भी और बॉय का भी, दिखने में वो हीरो जैसे हीरोइन जैसे रहेंगे। तो वो उन लोगों की शादी बहुत जल्दी होती है। अभी किसी का बुध अच्छा होगा, बुध भी बहुत अच्छा प्लेनेट माना जाता है, तो बुध में शादी ने उनका बुध बहुत अच्छा होगा तो भी उनकी शादी बहुत जल्दी हो जाती है। आप मानेंगे कि तो बहुत ही अर्ली एज में हो जाती है, 18, 20, 22, 23, इस एज में कभी उनकी बहुत जल्दी शादी हो जाती है। कभी कभी चंद्रमा भी अच्छा हुआ तो भी आदमी की बहुत जल्दी शादी होती है। और गुरु अच्छा हुआ तो भी उनकी शादी बहुत जल्दी हो जाएगी। अभी इनका एक रीज़न भी है कि अच्छे ग्रह होते हैं तो सभी अच्छे, तीन चार ग्रह, चार ग्रह अच्छे होना चाहिए, बुध गुरु शुक्र और चंद्रमा। तो ये क्या होता है, ये ग्रह अच्छे हुए तो आदमी के पास पैसा पानी भी अच्छा होता है, एजुकेशन वगैरह भी अच्छी होती है, दिमाग भी अच्छा होता है, समझदार भी होते हैं, तो कोई भी उनको सिलेक्ट करता है, सामने वाला भी उसको सिलेक्ट करने लगता है, तो इनकी शादी बहुत जल्दी हो जाती है, 20-22 में ही हो जाती है। और कभी कभी कोई दूसरे ग्रह होंगे जैसे राहु केतु, इसका ज़्यादा प्रभाव होगा, या सूर्य का होगा, मंगल बहुत लेट करता है, मंगल का होगा तो मंगल बहुत लेट कर देता है, शनि होगा तो शनि तो खतरनाक लेट करता है, कभी कभी तो हमारे कस्टमर्स हैं वो बहुत लेट होंगे। तो आप ये देखेंगे कि आज शनि का प्रभाव आ गया, शनि ज़्यादा डोमिनेट कर गया, तो शनि के कारण एक तो आदमी थोड़ा सा काला काला, नाटा काला, जनरल देखेंगे तो नाटा काला होता है, पर्सनैलिटी नहीं होती इसकी, तो उसके कारण वो कोई लड़का या लड़की सिलेक्ट नहीं करते हैं। एक होता है उसको बहुत डिले करता है शनि, हमारे यहाँ तो 40-40 के लोग भी आते हैं, 45 भी यहाँ इसके लोग भी आते हैं, इतना लेट कर देता है। कभी कभी गुरु भी ऐसी जगह पर बैठ जाए, गुरु अकेला बैठ जाए या चंद्रमा के साथ बैठ जाए ऐसे कुछ कुछ जगह पे, तो गुरु भले अच्छा करे लेकिन कभी कभी वो शादी नहीं होने देता। ऐसा हो गया कि गलत जगह पर बैठ गया तो वो शादी ही नहीं होने देता, या होगी तो बहुत ही लेट करता है, तो ये भी एक कभी कभी गुरु का प्रॉब्लम भी रहता है कभी, लेकिन गलत जगह पर बैठ गया तो वो प्रॉब्लम देता है। मंगल सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देता है, मंगल भी बहुत लेट करता है शादी को, मैंने देखा कि यार 20-30, 30-35, 36 भी हो जाते लोगों को। राहु भी बहुत लेट करता है, राहु के कारण राहु केतु ये भी बहुत तंग करते हैं शादी के मामले में, बहुत पंगे देते हैं। राहु केतु बैठ गया तो भी शादी में होगी तो टूट जाएगी, होगी तो टूट जाएगी, इस शहर से होता है और ढंग से तो रहने नहीं देते वो भी हैं। तो राहु का ज़्यादा प्रभाव हो गया तो भी आदमी की शादी नहीं होगी, होगी टूटने के भी ज़्यादा चांस होते हैं, होते होते रुक जाए, ऐसा भी बहुत होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो आपको तो मालूम करने का कि आपकी शादी कब होगी, तो 8788760700 पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप नंबर पे। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।